बिहार शरीफ विश्व भर में उपासना का आकर्षण का केंद्र बन चुका। दिल्ली के लोटस टेंपल की तर्ज पर अब बिहार में भी उपासना गृह का निर्माण किया जा रहा है। ये देश का दूसरा और बिहार का पहला लोटस टेंपल होगा। राष्ट्रीय अत्याधुनिक सभा के सचिव नाजनीन रौहानी ने बताया कि भारत का दूसरा और बिहार का पहला उपासना मंदिर बिहार शरीफ प्रखंड के हरगामा गांव में बन रहा है। हरगामा में बनने वाला बहाई मंदिर या विश्व का छठा उपासना गृह होगा। पूरी दुनिया में बहाइयों के पांचवा उपासना स्थल है, बिहार का यह पहला है। यह सभी धर्म संप्रदाय क्षेत्र के लोग अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए प्रार्थना कर सकेंगे। इस उपासना गृह के डिजाइन का अनावरण भारत के बहाइयों की राष्ट्रीय अध्यात्मिक सभा नई दिल्ली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई थी। इस उपासना गृह की घोषणा साल 2012 में हाइफा इजराइल स्थित बहाइयों की सर्वोच्च संस्थान विश्व न्याय मंदिर द्वारा की गई थी, जो अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। देखिए, इसमें दुनिया भर में लोग, जो भी धर्म का लोग मानने वाले लोग हैं, उस सबका वाई करके इस संस्था का रखा गया है और सभी लोग इस हॉल में आ सकते हैं। अभी हॉल का निर्माण होना है, लेकिन अभी उसका आधारशिला रखाया है और हमें काफ़ी खुशी है कि आज 4 साल से 5 साल से निर्माण का काम चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी लोग, इस इलाके के 30 गांव 40 गांव के बच्चे, जो सोसाइटी है यहाँ कैसे डेवलप हो, इन चीज़ों का भी यहाँ ख्याल रखा गया है। बच्चों के लिए, जो जिस धर्म के मानने वाले लोग हों, सभी धर्म के यहाँ पर लोग आ सकते हैं, अपने अपना इबादत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जो जिस धर्म के लोग हैं, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई, बहुत अच्छी चीज़ है। आपसी भाईचारा, मिल्लत का एक बड़ा केंद्र, इसका नाम रखाया है उपासना केंद्र। ये बड़ी चीज़ है और अभी तो निर्माण का काम चल रहा है, तो इसके बारे में यही कहूँगा कि हम लोग को रहते यहाँ और बेहतर बने, यहाँ के बच्चों का विकास हो, यहाँ के लोगों का विकास हो, इसके लिए बेहतरीन चीज़ यहाँ और बने। और यहाँ पर आवागमन में थोड़ी दिक्कत है, उसके लिए भी हम लोग सहयोग करेंगे। आज बहुत खुश है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौशलेंद्र जी कुमार यहाँ पे आए हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट देखने के लिए, और ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि जब ये मंदिर कंस्ट्रक्ट होगा, शायद दूसरे 18 महीने लगेंगे जब मंदिर बनेगा, लेकिन ये पूरा नालंदा और बिहार शरीफ के लिए होगा। और यहाँ पे जो हम करना चाहते हैं वो एक तो शिक्षित केंद्र होगा यहाँ पे, जहाँ पे बच्चे युवा आएंगे और वो ऐसे सिद्धांत के बारे में सीखेंगे जो एक्चुअली अभी गवर्नमेंट की योजना भी है कि युवा सशक्तिकरण कैसा करना है, बच्चे कैसे आध्यात्मिक शिक्षा उनको मिले। और ये मंदिर जब बनेगा तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा, यहाँ पे सूज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, जहाँ पे पूरा वाटर जो है, ये हमारे पास 9 एकड़ की ज़मीन है, तो ये 9 एकड़ की ज़मीन को झाड़ होंगे, पेड़ होंगे, बहुत हरियाली होगी, तो उनको पानी कहाँ से आएगा, ये रिसाइकल्ड पानी होगी। ये यहाँ इंडिया में दूसरा मंदिर निर्माण किया है। यस, ये जो एक्चुअली बहाई उपासना ग्रह है, एक तो जो है दिल्ली में है और इसके बाद में ये सेकंड वाला है जो लोकल बहाई हाउस ऑफ वर्शिप हम कहते हैं, जो बिहार शरीफ के लिए है। और हम चाहते हैं कि जैसे नालंदा और बिहार शरीफ बहुत आध्यात्मिक वातावरण में है, जैसे ये कार्य 2-3 साल से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी जो घोषणा है 2012 में हुई थी, और इसका जो कार्य 2-3 साल से शुरू हुआ है और काफ़ी कार्य प्रगति पर है। और हम आशा करते हैं कि ये जो उपासना गृह, हम सभी लोग को आध्यात्मिक और भौतिक रूप में सशक्त होने में मदद करेगी। यहाँ का जो समुदाय है, स्थानीय उपासना गृह की जो नज़दीक है जितने समुदाय है, जैसे कि हमारा हरगामा, तेतराना, चौसुआ और काफ़ी समुदाय है, और सभी समुदाय से लोग आए हैं ये प्रार्थना
उपासना गृह के प्रांगण में आए और यहाँ पर प्रार्थना करें, और ये दर्शाता है कि कैसे हम सभी लोग एक हैं। ये मानव जाति की जो ये जो मंदिर निर्माण होने जा रहे हैं, ये मानव जाति की एकता को दर्शाता है। ईश्वर जी के अवतार बहावला कहते हैं एकता की शक्ति शक्ति बहुत शक्तिशाली है। तो हम सभी लोग एक होकर रहना चाहिए और हम लोग पूरी मानव जाति के लिए। आपको सबसे पहले ये जानकारी दें कि जो बहाई उपासना गिरी है वो दिल्ली के टेंपल को हम लोटस टेंपल कहते हैं, और इसका नाम है स्थानीय उपासना गिरी बिहार शरीफ। और ये हम सब के लिए, खास करके बिहार, न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए ये गौरव की बात है कि ये दूसरा उपासना गिरी यहाँ बन रहा है, और जो कि भारत के बहाइयों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये उनको एक नए उपासना और सेवा का अवसर देगा। खास करके बिहार शरीफ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनका जो बाहरी जीवन है जिसके कि दो पहलू होते हैं, सेवा और उपासना, उसको वो अच्छी तरह से यहाँ कर पाएंगे। और इस उपासना गृह को भी आप देखेंगे तो इसके दो भाग हैं, एक है उपासना स्थल जिसका निर्माण हो रहा है, और दूसरा है अभी जो तत्काल में निर्माण हो रहा है वो ज्ञान केंद्र का, और जो कि सेवा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और किसी भी समुदाय, समाज और राष्ट्र का जो विकास है वो शिक्षा पे और ज्ञान पे निर्भर है। तो सबसे पहले जो सेवा का क्षेत्र हम लोगों ने चुना है, ज्ञान का चुना है, और इसीलिए यहाँ ज्ञान केंद्र का निर्माण हो रहा है और साथ ही उपासना गृह।